सारी पार्लिमानी पार्टियां चाहे छोटी थी बड़ी थी, उन सबके लीडर्स थे। 10 मीटिंग्स हुई हैं उसकी और हर मीटिंग कमोबेश दो तीन घंटों पे मुश्तमिल थी। थारोली मुसवदे डिस्कस हुए, थारोली एक एक शिक पे बात हुई। द ओनली पार्टी जिसने कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया या कागज़ का कोई पुर्जा नहीं दिया वो पीटीआई थी। वो 10 मीटिंग्स में कमोबेश आते रहे, सुनते रहे, बात भी करते रहे, डिस्कशन में हिस्सा भी लेते रहे, लेकिन उन्होंने तमाम छोटी बड़ी पार्टियां, एएनपी थी या एमक्यूएम थी या एनपी थी या जो भी थी, उन सब ने, हत्ता के अवामी नेशनल पार्टी ने भी, एनपी ने भी अपने मुसवदात दिए। पीटीआई की तरफ से कोई मुसवदा नहीं आया। और आखिरी जो मीटिंग हुई है हमारी 10वीं, उस पर एक एग्रीमेंट हुआ, कंसेंसस के साथ पुट किया गया हमारे जो सैयद खुर्शीद शाह चेयरमैन थे कि जी आपको ये मुसवदा मंजूर है। तो ऑलमोस्टली सब ने कहा, सिर्फ पीटीआई के डोगर साहब ने भी कहा जी कि हमें मुसवदे पे एतराज़ नहीं है, बट मेरी एक जमात है तो मुझे उससे मशवरा लेना। सो दिस इज़ द केस। अब जो हम कर रहे हैं वो कंसेंसस के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौलाना बड़ी नेक नीयती के साथ चाहते हैं कि पीटीआई इसमें आ जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी होगी कि पीटीआई आए। और जिस तरह हमने एक रिवायत डाली थी कम अज़ कम 13वीं तरमीम से कि कंसेंसस के साथ तरामीम हो, हमने 13वीं में किया, 14वीं में किया, 18वीं में किया और ये सिलसिला चलता रहा है, कोई यकतरफा तरामीम हुई नहीं है। अब अगर पीटीआई नहीं आती, वो एक जमात है, वो अपने तौर पे अपना एक फ़ैसला कर सकती है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई डे वन से इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसने इन तरामीम में हिस्सा लेना है, इनमें कोई इजाफा चाहना है, इसको तराश खराश करनी है। वो टाइम गेन और जो आज तक उनकी हिकमत अमली यही है कि वक्त को हम आगे धकेलते रहें किसी न किसी जवाब से। कल 3 या 5 अरकान मिल के आए, अब मुतालबा आया है जी कि 3-4 और आएँ, 4 और आ जाएंगे, फिर एक नया नई डिमांड आ जाएगी। सो दे आर पर्सन स्पेसिफिक, दे आर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक के ख़ास दिन आ जाए और उसके बाद हम कहें जी कि आप जो मर्जी कर लो। पार्लियामेंट एक लंबी एक्सरसाइज करती है, पार्लियामेंट कोई आमर नहीं है, डिक्टेटर नहीं है कि वो अपने क्लर्क को बुलाए और कहे जी कि ये लफ्ज़ लिखो, इन्हें तरमीम में डाल दो। पार्लियामेंट अदलिया भी नहीं है कि 13 को 2 मिनट के अंदर अंदर 15 कर दे और ये कह दे जी कि आप 3 दिन को 15 दिन में बदल दे, ऐसा नहीं हम कर सकते। आप देख रहे हैं कि हम कितनी कावट से गुजर रहे हैं, कितनी मेहनत से गुजर रहे हैं, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी दर्दमंदी के साथ कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस की। सो वी आर नॉट डिक्टेटर्स, वी आर नॉट जुडिशरी। हमने जमहूरी अकदार को सामने रखते हुए तमाम पार्टियों के कंसेंसस के साथ एक काम करना है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। और इंशाल्लाह इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुज़ाकराती अमल मुख्तलिफ सतहों पर अब भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी अभी थोड़ी देर में कैबिनेट भी बैठ जाएगी और हमें तवक्को है कि मौलाना अपने खलूस नीयत के साथ जो एफर्ट्स कर रहे हैं पीटीआई के साथ, वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मौलाना कोई हतमी राय हमें देंगे जी कि वो आने के लिए तैयार हैं आज या नहीं है। मौलाना को मजीद वक्त नहीं देंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा ये मैंडेट भी नहीं है। वो लीडरशिप की सतह पे फैसले हो रहे हैं मौलाना के साथ और मौलाना का हमारे साथ एक बड़ा गहरा तामन रहा है सारे सिलसिले में। तो हम चाहते हैं कि मौलाना की शिरकत से, शमूलियत से ये फैसला हो और ये ज़्यादा मोतबर।